ओलंपिक में अब से थोड़ी देर में जर्मनी से भिड़ेगी भारतीय मेंस हॉकी टीम, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला। ओलंपिक में 41 साल बाद मेडल हासिल करने की उम्मीद में भारतीय हॉकी टीम, जर्मनी के मजबूत आक्रमण के सामने भारतीय डिफेंस की कड़ी परीक्षा। 1980 में मॉस्को ओलंपिक के बाद भारत को अब तक नहीं मिली कामयाबी, आखिरी बार जीता था गोल्ड मेडल। महिला हॉकी में भी पदक की उम्मीद बरकरार, सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य के लिए कल ब्रिटेन से होगी भिड़ंत। महिला हॉकी टीम के मैच के बाद पीएम मोदी ने कप्तान और कोच से की फोन पर बात, प्रदर्शन पर जताया संतोष। कुश्ती में भी आज भारत को पदक की उम्मीद, दांव पर कई पहलवानों की किस्मत। 57 किलोग्राम वर्ग में आज गोल्ड के लिए दांव आजमाएंगे रवि दाहिया, फाइनल में रूस के जॉर्ज से मुकाबला। महिला कुश्ती के 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट शुरू करेंगी मेडल का अभियान, कामयाब रही तो आज सेमीफाइनल तक की लड़ाई। पुरुषों के 86 किलो वर्ग में कांस्य पदक के लिए दीपक पुनिया के दावेदारी, रेपचक राउंड में के विजेता से होगा मुकाबला। महिला बॉक्सिंग के वेल्टरवेट वर्ग में भारत की लवलीना ने हासिल किया कांस्य पदक, भारत के खाते में तीसरा पदक। सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के बीच संसद में फिर भंग हुई मर्यादा, बुधवार को टीएमसी के राज्यसभा सांसदों ने की मार्शलों से धक्का मुक्की। राज्यसभा की कार्यवाही से दिन भर के लिए निलंबित किए गए थे टीएमसी के 6 सांसद, जबरन अंदर घुसने की कोशिश में मार्शलों से भिड़े। धक्का मुक्की के दौरान टीएमसी सांसद अर्पिता घोष ने मोबाइल फोन से गेट के शीशे पर किया वार, टूटे कांच से एक महिला मार्शल को आई चोट। घटना के बाद शाम संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और पीयूष गोयल की बैठक, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को दी गई जानकारी। राज्यसभा सचिवालय ने घटना का वीडियो भी सभापति को सौंपा, वेंकैया नायडू आज से ले सकते हैं टीएमसी सांसदों पर फैसला। जासूसी कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कोर्ट के सामने 5 अर्जियां। पेगासस जासूसी कांड और किसान आंदोलन के मसले पर संसद में नहीं बन रही बात, बहस की मांग पर अड़ा विपक्ष। 14 विपक्षी दलों के 18 नेताओं ने जारी किया संयुक्त बयान, संसद में हंगामे के लिए सरकार पर गुमराह करने का आरोप। कृषि कानूनों पर आमने सामने हुए कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू और अकाली दल के हरसिमरत बादल, संसद परिसर में दोनों सदनों में तीखी नोकझोंक। रवनीत सिंह बिट्टू ने हरसिमरत पर लगाए ड्रामेबाजी का आरोप, जवाब में अकाली सांसद ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बाढ़ का जबरदस्त कहर, हालात का जायजा लेने दतिया पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, भी पानी में फंसे। पानी से घिरे एक मकान की छत पर बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए उतरे थे मध्य प्रदेश के गृहमंत्री, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर और दतिया में सबसे ज्यादा तबाही। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माहौर नदी में जबरदस्त बाढ़, 4 लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने बचाया। शिवपुरी में उपनाई सिंध नदी की बाढ़ में फंसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के करीब 40 मजदूर, एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन।